मोटर खोलो, मोटर बंद करो भाई, जिंदगी यहीं तक रह गई। बड़ी मुश्किल से सही करवाई मम्मी ने मोटर। कल मोटर खराब हो गई थी ना हमारी, तो आज मोटर सही हो गई। अब सही करवा रखी मम्मी ने। यहाँ भी ब्लॉगिंग चल रही। क्या बना रही? पतले पतले चिप्स। हाँ। बढ़िया है, अर्ली इन द मॉर्निंग चिप्स खाएंगे। मैं सोचा था पोहा जैसा कुछ खाते। बना लेना फिर पोहा। चूती हेलो चूती, हटो हटो हटो। क्या क्या करना है? कुर्सियाँ नीचे रखनी है पहले तो, यार मम्मी पोछा लगा नहीं सकती क्योंकि मम्मी को अभी हॉस्पिटल जाना है। क्या होता है ना दोस्तों, आजकल 10-11 बजे के बाद की धूप ऐसी होती है ना, कपड़ों का रंग उड़ा देती है, इस वजह से कपड़े भी लेकर आए। बाहर से मम्मी ने धो दिए थे सवेरे, अब सूख चुके हैं सारे के सारे। और ये मम्मी जब झाड़ू पोछा करती है तो कुर्सियों ऊपर लगा देती है, क्योंकि हमें नीचे जगह होती नहीं है रखने की, फिर ये यहाँ से पीछे रहेंगे तो झाड़ू पोछा नहीं लग पाता है, ये बड़ी दिक्कत हो जाती है छोटे घर में ना। ओहो छोटी भाई भी आके बैठ गए हैं, देखिए क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है बच्चा, इसको सब मुआयना करना होता है घर में क्या क्या होता है करके। इस बच्चे को ना, जो स्वीट सा बच्चा देख रहे हो, इसको, इस क्यूटी पाई को सब देखना होता है कि घर में क्या क्या हो रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है, सब देख रहा होता है क्यूटी पाई को। अब ये कपड़े उठाने हैं। वैसे आज थोड़े से बादल लगे हैं, धूप तो नहीं है लेकिन गर्मी बहुत है, उमस है काफी ज्यादा आज तो। ऐसा ऐसा चल रहा भाई साहब। ये मम्मी मेरे टी शर्ट लाई थी, शुक्र बाजार से ली थी, 75 रुपए की टी शर्ट थी, 150 रुपए में दो थी। पहनने पहले दिन तो अच्छी लगी ना, लेकिन इसका रंग पूरा खराब हो गया, मतलब अब आज देखने में ऐसी लग रही जाने कितने पुरानी है, रंग वंग बेकार है इनका। पहले तो मुझे लगा अच्छा है सस्ते में ना, लेकिन है कुछ नहीं, मतलब सस्ता तो है लेकिन काम की कुछ नहीं है, पूरा रंग एक ही बार में उड़ गया। और इतनी पुरानी लग रही ना बिल्कुल, बहुत ज्यादा गंदी लग रही। ऐसा ऐसा है भाई साहब। तो भाई सब लेकर चलते हैं अब कपड़े अंदर। छोटी भाई रास्ते में क्या कर रहे हो यार तुम? ये बेशरम लड़का ना, जब देखो सब तब रास्ते में आ जाता है। बिस्तर में ही डाल दिए, अभी आराम से मम्मी तय करेगी बाकर। मम्मी को जाना है हॉस्पिटल, आंटी को दिखाने, आंटी की भी तबीयत खराब हो रही आजकल, कितना गंदा गंदा हो रहा ना मम्मी सब तरफ से, कोई बीमार कहीं क्या कहीं क्या। अप्रैल के मैंने शुरुआत में ही इतने बहुत गंदा दिखा दिया। ये दुकानदारी का कोई विशेष कारण प्रिया? बताओ बताओ मुझे बताओ बताओ, दुकानदारी फैलाने का कोई विशेष कारण? नहीं बताना, तो को बताएगा पड़ी बड़ा भारी। प्रिया बिचारी का पैन कार्ड हमको मिला ही नहीं, तो अब बिचारी को खुद ही आना पड़ा, खुद ही इतनी मेहनत करनी पड़ी है, सफाई भी, शॉपिंग भी, 1 किलो शुद्ध नमक देना, शुद्ध नहीं समझते हो? हाँ बड़ा भारी। घर छोड़ के जा रही प्रिया? चले जा, वैसे तो छोड़ के जा ही चुकी है प्रिया घर है। प्रिया की पैकिंग हो गई दोस्तों, प्रिया घर छोड़ के जा रही, वैसे जा ही चुकी है प्रिया घर छोड़ के। हमारे घर में कौन सा रहती है प्रिया, कभी कभी आती है मेहमानों की तरह। यार आज तुम्हारे भाई ने सोचा पोहा बनाता हूँ, तो मैंने पोहा भिगा दिया, प्याज काट दी एंड छुट्टी हटो तो यहाँ से रस्ते से। एंड ये देखो तुम्हारे भाई ने मूंगफली भी छिल दी। अरे पता नहीं कुछ काम कर ले, मूंगफली छिल दी, उसके बाद मुझे याद आया भाई साहब करी पत्ता नहीं है। बड़ा मूड खराब है यार, बिना करी पत्ते के तो बिल्कुल ही पसंद, बिल्कुल ही अच्छा नहीं आता, बिल्कुल ही अच्छा स्वाद नहीं आता है बिना करी पत्ते के। तो अभी देखता हूँ कहीं पर, यहाँ पर कहीं पर करी पत्ता दिखेगा तो तोड़ लाऊंगा। वैसे तारा आंटी ने सही कर रखा है, एक गमले में करी पत्ते का पेड़ भी लगा रखा है ना, हम भी ऐसे ही करेंगे। अगर यहाँ पे देखता हूँ कोई करी पत्ता मिलेगा तो, मुझे यहाँ मिल जाता तो मैं भी पेड़ लगा लेता यार करी पत्ते का घर के। अपने पिछले साल थे यहाँ पे लगे हुए थे करी पत्ते बहुत सारे, इस बार मुझे कोई पेड़ ही नहीं दिख रहा है करी पत्ते का यार। एक है छोटा सा हो रहा है और तो नहीं, चलो कहीं और से देख के आते हैं, तो गंदा बंदा हो गया यार। यहाँ पर मिल गया मुझे करी पत्ते का पेड़, ये बढ़िया हो गया, वरना मुझे काफ़ी दूर जाना पड़ता ना करी पत्ता लेने, तो इतना काफ़ी है आज के लिए, चलो चलते हैं लेकर। आज बन रहा हमारा उपमना सॉरी पोहा, तो ये हमने आलू आलू कॉल के डाल दिया, अभी बनाते डालते हैं। इसमें नमक मिर्च हल्दी कैसे डाला तुमने? नहीं डाला मैंने, कुछ नहीं डाला इसके। तो आज तो हमारा पोहे का ही नाश्ता, क्या लंच भी हमारा पोहे का चल रहा। तो ये तुम्हारे भाई का पोहा है, अब आराम से पोहा खाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको आगे क्या होने वाला है। तो भाई साहब मैं अभी राधा बुआ को इनकी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि राधा बुआ की भतीजी बोलते भांजी, दीदी की लड़की लगती है आशी गोस्वामी जी, आशी गोस्वामी जी करके उनके हमारे ब्लॉग में कमेंट आते हैं। तो कल वाले ब्लॉग में हमको बोल रही थी कि राधा मौसी जी को भी लिया करो वाले ब्लॉग में, मौसी जी तो हर वीडियो में रहती है। वही तो हम तो नहीं ले रहे मौसी जी को, हम तो मौसी जी को घर में रख ले रहे। मौसी जी है वाल, मौसी जी आधा खानी कर दे रही है ना, ना वो कॉमेडी वाले के लिए थोड़ी ब्लॉग में। अरे ब्लॉग में आजकल हो ही नहीं रहा, आजकल हमारे मौसी जी आएंगे तभी तो वो होंगे। हाँ मौसी जी थोड़ी बिजी है, बिजी। हाँ आशी और आशी का भी ब्लॉग चैनल है,
आशी गोस्वामी ब्लॉग से करके देख सकते हैं आप लोग। तो ये है भैया, मिल लो आशी गोस्वामी ब्लॉग से। जी परसों संगीत आए हम रामनगर से आशी और मैं। अच्छा पूजा आई आशी उसकी भांजी। अच्छा ओके ऐसा हो सकता है पूजा पूजा की पत्रिका यहीं हो जाए ट्रांसफर पुलिस में। अच्छा यहाँ सब सुविधा है हो सकता है हमारा यहाँ का अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों की पढ़ाई चल रही है फिर से। क्या देख रहा है सबसे शरारती तत्व आगे। तू भी बैठ जा बैल जी एक जगह तू भी बैठ जा। तो चलो हम थोड़ा सा मार्केट घूम के आते हैं। यहाँ बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई चल रही है अंदर। मम्मी लोग राधव का लोग उनकी मीटिंग चल रही है। बोर हो रहा था ना। आज शुक्रवार का दिन भी है। शुक्रवार का दिन मतलब हमारा बाजार लगता है सब्जी का बाजार। आज काफ़ी भीड़ है क्योंकि 3 तारीख को ईद है ना, तो उस वजह से काफ़ी भीड़ हो रखी बाजार में। बस कपड़े वपड़े और इधर के मार्केट में, बाकी सब्जी के मार्केट में तो इतनी मुझे लग नहीं रही अभी। इस तरफ को काफ़ी खाली खाली सा हो रखा है। जुल्फें देख रहे हो कैसी रखी, ऐसी मुँह उठाए और मैं ऐसे ही निकल के आगे कैसे भाई। मेरे कौन मुँह गए अब इतने टाइम कौन खराब करे। चलो भी मेहमान पैर वैर छू जाओ। टीका लगा दो कुछ पैसे पिटिया तो तुम भी लगा सकते हो। अरे जाने के लिए लगा दो यार। हाँ। बस मिले ना मिले। हाँ बस बस मिले ना मिले। आराम से जाना, फोन कर देना, घर में सबको नमस्कार बोल देना अपने। हाँ और चिट्ठी पत्री भेजते रहना। हाँ विनी भी आ गया। विनी 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 तार विनी तले तार आएगा। हाँ व्हाट्सएप कॉल चलेगी। बाय बाय। चलो बाय। चलो गिनी हम नहीं बोलते इन लोगों से, ये पराए लोग हैं। चलो आ जाओ गिनी। क्यूटी भाई अंदर आ जाओ। बैल जी अंदर आ जाओ। बच्चा गई हो। अब बैल जी थोड़ी देर ऐसी टेंशन में रहेगा क्या हो गया करके। अब उसके बाद बहुत देर बाद उसको लगेगा कि हाँ वो नहीं आएगी, कल को आएगी तो फिर अंदर आ जाएगा। ये ऐसी करता है मम्मी और प्रिया के जाने पर। देखो वहाँ इंतजार करेगा उसका। देखो बैठ, देखो बैठ गया। उसको पता है जब भी कोई आएगा वहीं पर से आएगा, वहीं पर से इसको लाड़ लपड़ कर देगा इसके साथ। बस ऐसा है इसका। ये रही दूध की बोतल, ये रहा गगरास और ये रहा हमारा क्यूटी पाई। चलो भाई दूध लेने चलते हैं क्यूटी। चलो झोला गाय में यहाँ पर मिल गया। चलो स्वीटी भाई आप भी चलोगे ना। गुड बॉय। ये डर भी रहे हैं, हाथ भी लगा रहे, कुछ नहीं करेगा। क्या हुआ? दौड़ाना मत वरना तुझे ही रगड़ के ले जाएगा। दौड़ाना मत बस, तुम हल्के फुल्के हो ना, तुमको ले जाएगा खींच के। हो वो डर भी रहा, हाथ भी लगाना है उसको। चलें दोस्तों, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।